नमो नमः। मैं चित्तन कुमार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाराज। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। परिभाषा में कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा है। किसी विशेष वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे पंखा, कुर्सी, चश्मा आदि व्यक्तियों के नाम। किसी विशेष व्यक्तियों के नाम को संज्ञा करते हैं, जैसे रमेश, सचिन, अमिताभ बच्चन स्थानों के नाम। जैसे दिल्ली, चेन्नई, पंजाब और उसी तरह से प्राणियों के नाम। जैसे मछली, हाथी, घोड़ा इत्यादि जो प्राणी है। भाव, भावों के नाम। जैसे भेड़ा, दया, ईमानदारी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी वस्तुओं के नाम को, विशेष व्यक्तियों के नाम को, विशेष स्थानों के नाम को, विशेष प्राणियों के नाम को और भावों के नाम को हम संज्ञा करते हैं। यह संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके लिए कहा कि संज्ञा के प्रकार लिख रहे हैं। प्रश्न बनता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कुल तीन प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर अंग्रेजी के दबाव में संज्ञा के कुल पांच भेद कई माने गए हैं। इसमें समूहवाचक, द्रव्यवाचक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के तीन ही भेद होते हैं। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे महेंद्र, आगरा, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, शहर का नाम।
वाचक संज्ञा में विशेष जाति के लोग नहीं आते, यह जातिवाचक में जो है कि समूह का पद कराता है, जैसे जानवर। जानवर जो है यह किसी विशेष जानवर का नाम नहीं है, जानवर कहने मात्र से पूरी जानवर जात का रूप। इसी तरह से कहा कि अध्यापक यह किसी कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, अध्यापक बल्कि प्राध्यापक समूह होता। इसी तरह से कहा कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में जो है कि गुण भाव अवस्था इत्यादि आते हैं, जैसे ईमानदारी गुण हो गया, और जो है कि भाव में भिड़ा ईमानदारी गुण हो गया, भिड़ा जो है भाव हो गया, और जो है कि अवस्था में जैसे जवानी बालकपन बुढ़ापा हमारा जो है यह हो गया, और इसी तरह से जो है कि दशा जैसे गरीबी अमीरी इत्यादि हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा जो बताया गया कि समूहवाचक और जो है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक यह जो है कि हमारे ऐसा विशेष परीक्षाओं की गिनती नहीं आते हैं, संज्ञा जो मात्र तीन प्रकार की मान्य है।